फाइनली हमारे पास में आ चुकी है एक ऐसी सुपर पावर जिसे देख के आप सबके होश उड़ जाएंगे, और सिर्फ उसी नहीं यहाँ पे खड़े सारे के सारे व्हीकल्स भी उड़ जाएंगे। तो ये लो तो दोस्तों, अब देखो हमारी सुपर पावर का कमाल। और ये दोस्तों, इस सुपर पावर का नाम है लाइटनिंग स्टॉर्म। जी हाँ दोस्तों, बिजली का तूफान। यहाँ ये तूफान ही तो है, क्या मस्त ब्लास्ट है। ये वाला ब्लास्ट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, हमें ही गिरा दिया यार इसने तो। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो जितने भी व्हीकल्स थे सारे के सारे ब्लास्ट हो चुके हैं, और अभी फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। लेकिन ये फायर ब्रिगेड वाला करेगा क्या भाई, सारे व्हीकल्स तो ब्लास्ट हो गए, अब किसे बुझाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों भयंकर वाली तबाही हो चुकी है, और आप लोग देख चुके हो हमारी सुपर पावर कितनी पावरफुल है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रेलवे ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी सुपर पावर को यूज करने वाले हैं घोस्ट ट्रेन के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, घोस्ट ट्रेन जिसे आप लोग जानते हो यार, पिछले काफी टाइम से हम इस ट्रेन को रोकने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो भाई फेल हुए हैं। तो आज हम अपनी सुपर पावर को यहाँ यूज करते हैं। तो ये लो, हमने अपनी सुपर पावर को यहाँ ऑन कर दिया, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई पूरे ट्रैक पे बिजलियाँ कड़क रही है, और यार एक बंदा गया था वो मारा गया वहाँ पे। लेकिन अभी दोस्तों सामने से ट्रेन भी आ रही है, तो क्या लगता है जब ये ट्रेन इस स्टॉर्म से टकराएगी तो क्या होगा। Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आऊंगा बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों आज हम वापस से आ चुके हैं रॉक फ्रॉग निंजा हीरो की सिटी में, क्योंकि यार यहाँ पर एक भूतिया ट्रेन है, घोस्ट ट्रेन, जिसे हम रोकने का पिछले काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आज तक रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों आज हमें उसकी दादा ने दो दो सुपर पावर दी है जिन्हें हम यूज करने वाले उस ट्रेन के अगेंस्ट। मुझे लगता है आज इन दोनों सुपर पावर से हम उस ट्रेन को रोक ही लेंगे। तो चलो जल्दी से चल के आप लोगों को वो दोनों की दोनों सुपर पावर्स दिखा देता हूँ। वैसे पहली सुपर पावर तो आप लोगों ने देख ली वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसका नाम था लाइटनिंग स्टॉर्म, और दूसरी जो सुपर पावर है उसका नाम है शील्ड बैरियर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों की दोनों सुपर पावर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले लाइटनिंग स्टॉर्म का एक छोटा सा नमूना देखते हैं। अभी ये एम्बुलेंस है ना, देखना अभी इस एम्बुलेंस का क्या हाल होता है। तो यहाँ पे हम अपनी लाइटनिंग स्टॉर्म वाली सुपर पावर को यूज करने वाले हैं, और ये लो। तो यहाँ पे दोस्तों लाइटनिंग स्टॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हो वो बंदा जो एम्बुलेंस से उतरा था वो घायल हो चुका है भयंकर तरीके से, और एम्बुलेंस तो भाई ब्लास्ट ही हो गई। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो यार कितनी ज्यादा पावरफुल है ये लाइटनिंग स्टॉर्म, और अभी पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। और अभी हम यहाँ पे देखो, ओ भाई ये क्या हुआ, ओ भाई ये कौन सा ग्लिच था यार, वहाँ पे ब्लास्ट तो एम्बुलेंस कब की हो चुकी थी, फिर हम इतनी ऊपर कैसे उछल गए और कैसे मर गए कुछ नहीं पता चला। पता नहीं यार दोस्तों ये कैसे हुआ, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। वापस से हम एम्बुलेंस के सामने आ गए हैं, और ये लोग वापस से अपनी सुपर पावर को यूज़ किया। इस बार भाई मैं दूर आ गया हूँ लाइटनिंग स्टॉर्म से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार पता नहीं यार अचानक से क्या हुआ, हम आसमान में उड़ गए थे और मारे भी गए थे। इस बार भी ये देखो एम्बुलेंस तो ब्लास्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम आसमान में नहीं उड़े, अभी भी हम यहीं पर हैं धरती पर है भाई। तो यार हो सकता है वो लास्ट टाइम कोई ग्लिच हो, मुझे नहीं पता वो क्या था। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, वो क्या हुआ था उस टाइम पे, हम आसमान में क्यों उड़ गए थे और क्यों मारे गए थे, कमेंट करके जरूर से बताना। अभी एक बार वापस से हमने यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म को यूज़ किया है, और फिर से भाई चारों तरफ तबाही का मंजर बन गया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ। हम तो भाई पिछली बार की तरह आसमान में नहीं उड़े, लेकिन मुझे लगता है इस बार हमें पुलिस वाले मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले आ चुके हैं और सारे के सारे हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। रुक जाओ, इन्हें अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बार वापस से लाइटनिंग स्टॉर्म को ऑन कर दिया हमने, और मुझे लगता है इस वाले ब्लास्ट में सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे, और ये लो भाई मारे भी गए। लेकिन यार अभी भी कौन फायरिंग कर रहा है, ओ भाई रुक जाओ अभी तो ये देखो। दोस्तों ये है हमारी सेकंड सुपर पावर, जो कि है शील्ड बैरियर। जी हाँ दोस्तों, इसे ऑन करने के बाद में चाहे कोई हमारे ऊपर कितनी ही बुलेट्स चलाए, कितने ही ग्रेनेड्स चलाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो चारों तरफ हमारे एक शील्ड बैरियर बन गया है, जो कि हमें काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हमारी एनर्जी रहती है उतनी देर ही वर्क करता है। अभी देखो एनर्जी खत्म हो गई, तो ये शील्ड बैरियर अपने आप ही गायब हो गया, और अभी हम वहां से एस्केप करके भी आ गए, क्योंकि हमारी हेल्थ ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। तो यार बाकी की हेल्थ भी वहीं गंवाते उससे पहले हम वहां से फरार होके आ चुके हैं रेलवे ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा सामने होने वाला है ट्रेन से। A few moments later. So finally दोस्तों इस वाले स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है, वो देखो सामने ट्रेन है, और यहाँ पे हम अपनी सुपर पावर यूज करने वाले हैं। तो ये लो यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, और ये ट्रेन क्या बात है, ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये ट्रेन तो इस स्टॉर्म के अंदर से बड़ी आसानी से निकल गई, ट्रेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ट्रेन को क्या, यहाँ पे तो एक एम्बुलेंस है,
ओ भाई ये एम्बुलेंस भी निकल गई यार, आखिर ये हमारी सुपर पावर को हो क्या गया। चलो दोस्तों एक बार वापस से ट्राई करते हैं यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ इस ट्रेन को, हो सकता है यहाँ पे कुछ इफेक्ट जरूर पड़े। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस से ट्रेन के सामने और एक बार यहाँ पे अपनी सुपर पावर को यूज़ करते हैं। ट्रेन आ रही है जल्दी से। ओ भाई थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन भाई यहाँ पे इफेक्ट दिखने लगा है। ये देखो ट्रेन के पिछली वाली बगी से धुआं निकलने लगा है, मतलब यार हमारी ये जो सुपर पावर है ना ये है तो काफ़ी कमाल की, क्योंकि यार इसकी वजह से ट्रेन को डैमेज तो हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेन के पीछे वाली बग्गी से कितनी तेज धुआं निकल रहा है, मतलब भाई ट्रेन डैमेज हो रही है। यार ये जो हमारी सुपर पावर है ये ट्रेन को रोक तो नहीं पा रही, लेकिन भाई डैमेज तो बराबर दे रही है भाई, खतरनाक वाला दे रही है। तो चलो एक बार यहाँ पे रुकने के बाद में यूज करते हैं। यहाँ पे भी हमने वापस से लाइटनिंग स्टॉर्म को ऑन कर दिया है। दोस्तों हमारे पास में दो सुपर पावर है अभी। ओ भाई ये कौन था भाई, एम्बुलेंस ने हमें उड़ा दिया यार। और यहाँ पे भाई मेरे को ये सेकंड वाली सुपर पावर भी यूज़ करनी थी यार, लेकिन ट्रेन निकल गई। तो दोस्तों यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म के अंदर से तो ये ट्रेन काफ़ी आसानी से निकल के जा रही है, लेकिन डैमेज तो हो रहा है इसको, ये रुक नहीं रही। यहाँ पे देखो यार फर्स्ट वाली बगी से भी अब धुआं निकलने लगा है, और यहाँ पे हमने वापस से भाई इसके सामने लाइटनिंग स्टॉर्म को ऑन कर दिया है। और अभी देखते हैं, ओ भाई पूरी की पूरी ट्रेन से अब धुआं निकल रहा है, लेकिन इस बार भी ये ट्रेन बड़ी आसानी से इस स्टॉर्म से बाहर आ गई और हम लोग स्टॉर्म के अंदर चले गए। लेकिन यार स्टॉर्म के अंदर जाने की वजह से हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी हम इस ट्रेन के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं हमारी सेकंड सुपर पावर, जिसका नाम है शील्ड बैरियर। जी हां दोस्तों अब टक्कर होने वाली है शील्ड बैरियर वर्सेस ट्रेन की। तो देखते हैं इस वाली सुपर पावर से इस ट्रेन को क्या ही नुकसान पहुंचता है। तो शील्ड बैरियर वर्सेस ट्रेन। ओ भाई हम लोग ट्रेन के अंदर, ओ भाई ये क्या, अबे ये क्या हुआ था, मतलब पहले तो हम ट्रेन के अंदर चले गए और उसके बाद में भाई ट्रेन ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया और शील्ड बैरियर से कुछ देर के लिए गायब ही हो गया था। मतलब इस गेम में कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी यार, यहाँ पे आखिर है क्या ये सब। मतलब इस ट्रेन के सामने कोई भी सुपर पावर की कुछ भी औकात नहीं है। यहाँ पे हमने लाइटनिंग स्टॉर्म देख लिया और अभी शील्ड बैरियर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार। मतलब शील्ड बैरियर से ये देखना, ओ भाई ये देखो शील्ड बैरियर गायब हो गया और अब वापस से आ गया। मतलब क्या फायदा भाई शील्ड बैरियर का, ये हमें ट्रेन की टक्कर से बचा ही नहीं पा रहा, बस एक हमारी हेल्थ को सिक्योर रख पा रहा है। मतलब यार कुछ भी हो रहा है यार, हमारी शील्ड बैरियर वाली सुपर पावर, मैं तो सोच रहा था इससे हम इस ट्रेन को रोक लेंगे, ट्रेन की टक्कर नहीं लगेगी हमारे, लेकिन भाई बल्कि इससे तो हमारी टक्कर कुछ ज़्यादा ही दुगनी हो रही है। मतलब ट्रेन से ऐसी टक्कर लग रही है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अभी हम दोनों सुपर पावर एक साथ यूज़ करने वाले हैं। लाइटनिंग स्टॉर्म हमने ऑन कर दिया है और अभी शील्ड बैरियर भी ऑन, ट्रेन आ गई है लाइटनिंग स्टॉर्म पे और ये लो हमें टक्कर भी मार दी है ट्रेन ने। वापस हम खड़े होकर वापस से टक्कर मार दी है भाई यार, ये ट्रेन तो सच में बड़ी कमाल की चीज़ है, इतनी पावर है इसमें। ओ भाई लेकिन इस बार आग लग चुकी है पूरी ट्रेन के अंदर। जी हाँ दोस्तों हमारी लाइटनिंग स्टॉर्म की वजह से इस ट्रेन में आग लग चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से लाइटनिंग स्टॉर्म की वजह से इस ट्रेन की हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन अभी ये हमारी हालत ख़राब कर रही थी, फिर भी यार लाइटनिंग स्टॉर्म से इस ट्रेन में आग लग गई और हमारा ये जो शील्ड बैरियर था इसने हमारी जान बचा ली। इतनी टक्कर होने के बाद भी हम मरे नहीं है क्योंकि हमारी हेल्थ बिल्कुल फुल टू फुल है ये शील्ड बैरियर की वजह से। लेकिन यार शील्ड बैरियर की वजह से टक्कर को नहीं रोक पाते हम लोग, टक्कर तो भाई भयंकर वाली लगती है, फिर भी यार जान बच जाती है काफ़ी है इतना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो पहली वाली सुपर पावर थी लाइटनिंग स्टॉर्म, उसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर आग लग चुकी है, और जो हमारी सेकेंड सुपर पावर थी शील्ड बैरियर, उसकी वजह से हमारी जान अभी भी बची हुई है। तो चलो फिर से हम अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म हमने ऑन कर दिया और ट्रेन उसके अंदर से निकलती हुई भाई आ रही है हमारी तरफ, और ये लो अब शील्ड बैरियर की टक्कर होने वाली है, धज्जियां उड़ा देती है ट्रेन, और ये लो फिर से टक्कर और शील्ड बैरियर गायब हो जाता है भाई। जब टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद में वापस ही ये शील्ड बैरियर आ जाता है, लेकिन अभी देखो भाई ये ट्रेन मुझे लगता है कुछ ही देर में ब्लास्ट भी हो जाएगी। आगे वाली बग्गी तो बुरी तरीके से जल रही है, पीछे वाली अभी बची हुई है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेशन पे ये वापस ले जाएगी और हम यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं, और ये लो तो यहाँ पे दोस्तों वो देखो पीछे की तरफ ट्रेन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम वापस से दोनों की दोनों सुपर पावर यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं क्या ये ट्रेन भाई रुक पाएगी किसी भी तरीके से। हो सकता है भाई इतनी आग लग गई अब तो रुक ही जाए, रुक गई क्या यार, सच में रुक गई लगता है मुझे तो, वो ट्रेन आ ही नहीं रही। यहाँ पे देखो हमने सुपर पावर यूज़ कर दिया है और अब भाई ये नहीं रुकी, ये ट्रेन नहीं रुक रही, भाग भाई निंजा हीरो भाग भाग भाग, और ये लो भाई इसने फिर से पटक दे दी है हमें पीछे से, और ये लो भाई हम निकल गए
सुपर पावर अपनी यहाँ पे रखी की रखी रह गई और ये लोग सुपर पावर में अभी फंस गए, लेकिन बच रहे हैं भाई। अभी तो शील्ड बैरियर है और शील्ड बैरियर खत्म होती मैं सुपर पावर से निकल के आ गया हूँ बाहर। वो देखो पीछे हमारी सुपर पावर। लेकिन यार दोस्तों, इस सुपर पावर की वजह से हम ट्रेन को तो नहीं रोक पाए, बिल्कुल भी नहीं रोक पाए, क्योंकि यार ये ट्रेन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने कोई सुपर पावर किसी काम की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सुपर पावर यूज करेंगे तो ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी और ब्लास्ट होने के बाद दूसरे दिन फिर से नई ट्रेन आ जाएगी, लेकिन ये ट्रेन रुकेगी नहीं। और हमारा जो मकसद है वो बस इस ट्रेन को रोकने का है। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में तो हम इस ट्रेन को नहीं रोक पाए, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोक पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।